नमस्कार, मैं प्रिया। आज 20 अगस्त, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब जमीन से संवेदनशील मामलों का होगा स्पीडी ट्रायल। इस दिन पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम नीतीश। बिहार के 2 शिक्षकों को नेशनल टीचर अवार्ड से किया जाएगा सम्मान। पंचायत चुनाव में 7.25 लाख कर्मचारी किए जाएंगे तैनात। बिहार में संभावित तीसरी लहर से बचाव की शुरू हुई तैयारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेल पहिया कारखाना रेल मंत्रालय ने निकाली रिक्तियां। रेल पहिया कारखाना रेल मंत्रालय ने अप्रेंटिस के लिए कुल मिलाकर 192 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं या ITI में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 13 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट rwf.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। अब जमीन के संवेदनशील मामलों का होगा स्पीडी ट्रायल। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों की समस्या आम बात है। आए दिन जमीन से जुड़े विवाद परिवार के बीच कलह का कारण बनते हैं। साथ ही कई बार कई लोगों की जान भी जमीन से जुड़े मामलों के कारण चली जाती है। हालांकि बिहार सरकार जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई नजर आ रही है। इसी बीच बिहार में भूमि विवाद से जुड़े मामलों में हो रही बढ़ोतरी, साथ ही मामलों में हो रही बढ़ोतरी के कारण हताहत होने के मामलों को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक और कदम बढ़ाया है, जिसके तहत अब संवेदनशील जमीनी मामलों का ट्रायल आपराधिक मामलों के तर्ज पर स्पीडी तौर पर करने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत अब आने वाले दिनों में जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी और सूचीबद्ध मामलों में अदालत से जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया जाएगा। मोदी से मिलेंगे सीएम नीतीश। बिहार एनडीए में लंबे समय से चले आ रहे शीत युद्ध को लेकर अब विराम लगता नजर आ रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में मुलाकात होगी। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा को छोड़कर बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी से मिलने का समय मिलना एक अहम बात बताई जा रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री के मिलने का समय मांगा था। आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को मिलने का उन्होंने समय दिया है। शिक्षकों को प्रमाण पत्र जमा करने का मिला एक और मौका। बिहार सरकार ने हाल ही में शिक्षकों के प्रमाण पत्र को अपलोड करने को लेकर मौका दिया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से अपलोड करने की तारीख में विस्तार करने की मांग की जा रही थी। इसको देखते हुए ही बिहार सरकार ने शिक्षकों को एक और मौका दिया है और शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल को फिर से खोलने की बात कही गई है, जिसके तहत 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक वैसे शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है वो अपलोड कर सकते हैं। पहले यह सीमा 20 जुलाई 2021 तक ही दी गई थी। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा के निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ स्थापना को पत्र भेज दिया है। सबसे अधिक शिक्षक पद खाली रह जाने वाले जिले की शुरू हुई जांच पड़ताल। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए आयोजित की गई 2 चरणों की काउंसलिंग को पूरा कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद करीब 30 से 35% पद रिक्त रह गए हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे जिलों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर रिक्तियों की कुल संख्या 50% से अधिक है। शिक्षा विभाग अब ऐसे ही जिलों को चिन्हित करने में जुट गई है। मामले की जांच के लिए मुख्यालय में पदस्थ 2 डिप्टी डायरेक्टर प्रभात कुमार पंकज और रूपेंद्र कुमार सिंह को 4 जिले पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर भेजा गया है, जहां सर्वाधिक रिक्तियां रह गई हैं। यह जिले बतौर सैंपल छांटे गए हैं। दोनों अफसरों के साथ सहयोगी भी भेजे गए हैं। इन अफसरों को रिक्तियों की वजह जानने के अलावा काउंसलिंग के दौरान आई शिकायतों का स्वरूप भी जानना है, ताकि विभाग को उचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। चुनाव में 2 चाइल्ड पॉलिसी और टीकाकरण को लेकर जारी हुई अहम जानकारी। पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं होगी। साथ ही बगैर टीकाकरण के भी आप वोट दे सकेंगे। राज्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पंचायती राज अधिनियम के संशोधन के बाद ही 2 बच्चों से अधिक वाले माता पिता को चुनाव लड़ने से वंचित करने के प्रावधान किए जा सकते हैं। अब तक सरकार या आयोग के स्तर पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ना ही ऐसी कोई प्रस्ताव सामने आई है। अब आइए जानते हैं
कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। आईएमडी पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले के कुछ ही जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे निखिल कुमार की। निखिल कुमार का जन्म बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। निखिल कुमार भारत के केरल राज्य के पूर्व राज्यपाल है। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें नागालैंड के राज्यपाल के पद से स्थानांतरित करके केरल का राज्यपाल नियुक्त किया था। वो औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं एवं वहां से सांसद रह चुके हैं। निखिल कुमार भारतीय पुलिस सेवा के 1963 बैच के अधिकारी हैं। वो दिल्ली के पुलिस आयुक्त, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के निदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल में निदेशक रहने के अलावा भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विशेष सचिव भी रह चुके हैं। जीविका दीदी बनाएंगी इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल राखियां। राखी का त्यौहार बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में बिहार में राखी के त्यौहार की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी बीच राखी के त्यौहार को लेकर जीविका दीदियों ने भी अब लेटेस्ट ट्रेंड में इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल राखी बनाने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर जीविका दीदियों ने एक नायाब तरीका निकाला है जिससे वो ककून को बर्बाद नहीं होने देती है और वो इससे इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल राखियां तैयार कर रही है। जीविका दीदी ने 50,000 राखी तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इन राखियों की कीमत 15 रुपए से लेकर 50 रुपए तक बाजार में बेची जाएगी, जिसमें किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, गया, बोधगया, नालंदा, दरभंगा, धमदाहा, पूर्णिया, पूर्व, जलालगढ़, सुपौल और पटना में इन राखियों को भेजा जाएगा। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हवाई यात्रियों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं वैज्ञानिक बार बार तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं। यही कारण है कि बिहार सरकार ने अब हवाई यात्रा करने वालों के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब महाराष्ट्र, केरल, पंजाब से आने वाले यात्रियों को दरभंगा एयरपोर्ट पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है। जिन यात्रियों के पास रिपोर्ट नहीं होगी, ऐसे यात्रियों की एंटीजन जांच वहीं पर करवाई जाएगी, जिसके बाद जांच रिपोर्ट में अगर किसी यात्री का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो उसे क्वारंटीन में रखा जाएगा। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पटना और दरभंगा एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले दोनों हवाई यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग करना जरूरी कर दिया है। बिहार के दो शिक्षकों को नेशनल टीचर अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। बिहार को गौरवान्वित करने वाली खबर सामने आई है। बिहार के दो ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साल 2021 के लिए नेशनल टीचर अवार्ड की घोषणा कर दी है। इस साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर कुल मिलाकर 44 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें बिहार के दो शिक्षक हरिदास शर्मा और शिक्षिका चंद्रना दत्त का नाम शामिल है। ज्ञात हो हरिदास शर्मा राज्य के कृत मध्य विद्यालय डरहक रामगढ़ कैमूर के प्रभारी प्रधान शिक्षक हैं, जबकि चंद्रना दत्त राज्य के कृत मध्य विद्यालय रांटी मधुबनी में शिक्षिका हैं, जिसके तहत अब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद शिक्षक दिवस के अवसर पर इन्हें नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित करेंगे। पंचायत चुनाव में 7.25 लाख कर्मचारी किए जाएंगे तैनात। बिहार में सितंबर महीने से चुनाव का आयोजन किया जाना है। वहीं चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी बीच अब राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान कर्मियों की तैनाती पर बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने 7.25 लाख मतदान कर्मी चुनाव बूथ पर तैनात किए जाने की खबर साझा की है। वहीं एक मतदान बूथ पर कम से कम 6 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना में कुछ बूथों पर मतदान कर्मियों को तैनात कर मतदान, मतगणना के साथ साथ बायोमेट्रिक मशीन और वेबकास्टिंग का परीक्षण किया था। परीक्षण के बाद अब नए सिरे से मतदान केंद्र के हिसाब से तैनात होने वाले कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की योजना बनने लगी है। बिहार में संभावित तीसरी लहर से बचाव की शुरू हुई तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर की घंटी अभी भी हमारे दरवाजे पर अटकी है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। वहीं बिहार में भी संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने अब राज्य के 36 सदर अस्पतालों में पीडियाट्रिक्स यूनिट खोलने का फैसला लिया है। जिलों में भी बच्चों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सके, इसकी वजह से ही यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने इस काम के लिए 135 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए हैं। वहीं पीडियाट्रिक्स यूनिट में जो सुविधाएं मिलने वाली हैं वो कुछ इस प्रकार है। सभी बेड पर ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था, कुछ बेड पर आईसीयू और सीसीयू की भी सुविधा होगी। पीडियाट्रिक यूनिट में ऑपरेशन की व्यवस्था भी रहेगी। अभिभावक बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ले सके, इसके लिए सीसीटीवी भी लगेंगे।
राज्यपाल फागू चौहान से मुख्यमंत्री नीतीश ने की मुलाकात। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल फागू चौहान से मिलने पहुंचे। वहीं मुलाकात के बाद राजभवन से निकलने के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि महत्वपूर्ण नियुक्तियों को लेकर उनकी राज्यपाल महोदय से मुलाकात हुई है। उम्मीद है कि अब जल्द ही नियुक्ति को लेकर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। वहीं राजद में मचे घमासान पर सीएम नीतीश ने कहा कि ये पार्टी का इंटरनल मामला है, ऐसी बातों पर वो कभी बयान नहीं देते। बिहार में बिजली चोरी की शिकायत आए दिन सामने आती रही है। वहीं अब जिलावार बिजली चोरी के आंकड़े सामने आए हैं, जिसके तहत बिजली चोरी के सर्वाधिक मामले पटना के पेसू क्षेत्र में सामने आए हैं। यहां 13 दिन में 336 मामलों को पकड़ा गया है। साथ ही अब तक दोषियों से 23 लाख रुपए फाइन की वसूली हुई है। वहीं नालंदा जिले में 71 मामलों के साथ 30 लाख रुपए की वसूली हुई है। भागलपुर शहर में 16 मामले बिजली चोरी के पकड़े गए हैं और 8 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूला गया है। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बिजली चोरी के मामले में नालंदा दूसरे नंबर पर और भागलपुर तीसरे स्थान पर है। अक्षरा सिंह ने शमिता शेट्टी के उम्र को लेकर कही बड़ी बात। इन दिनों बिहार की जानी मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह बिग बॉस के घर में है। वहीं बिग बॉस के घर में हर दिन उनकी चर्चा भी जोर शोर से हो रही है। इसी बीच अब अक्षरा सिंह और शमिता शेट्टी के बीच की लड़ाई के कारण अक्षरा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। दरअसल ये दोनों अभिनेत्रियां हाल ही के एपिसोड में एक दूसरे से भिड़ गई। उस समय प्रतीक ने अपना पार्टनर यानी कि कनेक्शन अक्षरा का सपोर्ट किया, बल्कि शमिता के कनेक्शन राकेश वो उस समय पूरी तरह बात संभालने की कोशिश करते दिखे। फिर शमिता ने कहा कि अक्षरा सबसे सहानुभूति लेती है। अक्षरा ने फिर उन्हें बोला कि मां की उम्र की है पर इतनी तमीज नहीं है कि बात कैसे करते हैं। भी सुनेंगे आपकी फरियाद। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा जनता दरबार का कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। इसी बीच बिहार में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भाजपा ने सबसे पहले इसे शुरू किया था। अब जदयू की तरफ से भी जनता दरबार लगाने की बात कही जा रही है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की माने तो जदयू के मंत्री सप्ताह में मंगलवार से शुक्रवार तक सुनवाई करेंगे। इसकी लिस्ट पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसमें यह भी तय हो गया है कि कौन से मंत्री कब और किस दिन जनता दरबार लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रियों द्वारा लगाए गए जनता दरबार 11:30 बजे शुरू होगा। तेज प्रताप को भूले जगदानंद सिंह, पूछा कौन है ये। बिहार राजद में शीत युद्ध जारी है। पार्टी के अंदर अपमान की राजनीति अब तक वैसी की वैसी ही देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बीते दिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हाल ही में तेजस्वी यादव ने मनाया है, वहीं जगदानंद सिंह तेज प्रताप यादव को माफ करने के मिजाज में नजर नहीं आ रहे। आलम यह रहा कि बीते दिन जगदा बाबू तो यही भूल गए कि तेज प्रताप यादव कौन है। बीते दिन मीडिया हाउस की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कौन है तेज प्रताप यादव। वो सिर्फ लालू यादव को जानते हैं जो कि पार्टी के अध्यक्ष है। इसके साथ ही उन्होंने तेज प्रताप यादव के नाम का सवाल पूछने के लिए मीडिया को भी खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि आपके सवाल इसलिए उनसे जुड़े आते हैं क्योंकि वो आपको खिलाते पिलाते हैं। तेजस्वी यादव ने किया बाढ़ राहत शिविर का उद्घाटन। राजद में जारी घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुटे हुए हैं, जिसके तहत ही उन्होंने बीते दिन अथमल गोला में बाढ़ राहत शिविर का उद्घाटन किया। ज्ञात हो तेजस्वी यादव बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के इरादे से नवादा जिले के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान उन्होंने इस राहत शिविर का उद्घाटन किया। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ की वजह से लोग अपना घर छोड़कर दूसरे सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे समय में राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायक काफी एक्टिव होकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इस दिन से आशीर्वाद यात्रा के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे चिराग। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों बिहार में आशीर्वाद यात्रा पर है, जहां वो बिहार के अलग अलग जिलों में घूम घूम करके जनता का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अब चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के 8वें चरण की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि वो 27 अगस्त से शुरू करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार चिराग के 8वें चरण की यह यात्रा अरवल जिले से शुरू होगी। वहीं 28 अगस्त को वो औरंगाबाद और सासाराम में कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस बाबत चिराग बीती शाम ही पटना पहुंच गए हैं। आज वो अपने संसदीय क्षेत्र जमुई और हाजीपुर में कई सभाओं में सम्मिलित होंगे। इस बाबत लोजपा प्रवक्ता चंदन सिंह ने भी बताया है कि चिराग को आशीर्वाद यात्रा के दौरान भरपूर जनसमर्थन मिल रहा है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज के पहले सत्र का आयोजन 1828 में कलकत्ता में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 1979 में अपने पद से आज के दिन इस्तीफा दिया था। भारत और नेपाल में 1988 को 615 की तीव्रता वाले भूकंप से 1000 लोगों की जान चली गई थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध कलाकार अरुणा साईराम को 2008 में अमेरिका में विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। रसायन और उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान ने 2008 में
खाद उद्योग को चालू वित्त वर्ष में 22,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की थी। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा की जान 2011 में आज ही के दिन गई थी। भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म 1944 को आज ही के दिन हुआ था, जिसके बाद से ही आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। लॉर्ड्स टेस्ट के बाद टेस्ट रैंकिंग में हुआ बदलाव। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का असर उनकी रैंकिंग पर दिख रहा है। अभी इस सीरीज में 2 मैच खेले गए हैं। दोनों मैच में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का जलवा रहा। दोनों मुकाबले में रूट ने शतक लगाया, इसके चलते वो ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच गए। वहीं भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो फिर KL राहुल की रैंकिंग में उछाल आया है, जबकि रोहित शर्मा अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग पर पहुंच गए हैं। लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में शानदार शतकीय पारी खेलने वाले भारत के सलामी बल्लेबाज KL राहुल की रैंकिंग में उछाल आया है। 129 रनों की पारी खेलने वाले राहुल की रैंकिंग में 19 स्थान का सुधार हुआ है, अब वो 37वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं पहली पारी में 17 रन से शतक से चूकने वाले रोहित शर्मा 6 रैंक पर बरकरार है। मोबाइल से हिंदी भाषा में आसानी से भेजे मैसेज। कई बार हम अपने दोस्तों और परिवार जनों को हिंदी में मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण हम व्हाट्सएप भाषा का है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे टिप्स के बारे में बताने वाले हैं जो इसके माध्यम से आप आसानी से हिंदी में मैसेज भेज सकेंगे। हिंदी भाषा में टेक्स्ट भेजने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर गूगल इंडिक कीबोर्ड ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड होने के बाद फोन की सेटिंग में जाकर लैंग्वेज एंड इनपुट ऑप्शन पर टैप करें। यहां करंट कीबोर्ड पर जाकर चूज कीबोर्ड पर टैप करें। अब दोबारा लैंग्वेज एंड इनपुट पेज पर जाकर करंट कीबोर्ड में इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज के विकल्प को चुनें। इसके बाद आप आसानी से हिंदी भाषा में टाइप कर पाएंगे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 19 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,400 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,620 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,500 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। सेविका सहायिका समेत ये नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव को लेकर अब तक कई अधिसूचनाओं को जारी कर चुका है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से अभ्यर्थी और प्रस्तावक के लिए अहम सूचना जारी की है। आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात सेविका और सहायिका किसी भी पद के लिए चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते। सेविका और सहायिका चुनाव मैदान में उतरने वाले किसी भी व्यक्ति का प्रस्तावक भी नहीं बन सकते। इसके अलावा लोक अभियोजक तथा GP भी चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होंगे, साथ ही वो किसी भी प्रत्याशी का प्रस्तावक भी नहीं बन सकेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौरव कुमार, जनार्दन शाह, पंकज कुमार, लक्ष्मी कुमारी, सिफोन ठाकुर, वी मुखिया, अमित अमन, रूपेश कुमार, सतीश कुमार, उमेश कुमार, भोजपुरी शॉर्ट, गुलशन सिंह, ब्रजेश कुमार, राजीव कुमार, रविंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बाढ़ के माहौल को देखते हुए पंचायत चुनाव का आयोजन करवाने का फैसला सही है या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।